एक टाइम था जब सैफ अली खान खान तिकड़ी को टक्कर देते नजर आ रहे थे, लेकिन फिर सैफ का वक्त बदला और उनकी फिल्में बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती चली गईं। सैफ अली खान इन दिनों बॉलीवुड में वापसी की कोशिशों में लगे हुए हैं और उनकी किस्मत का फैसला होना है फिल्म रंगून से, जिसमें वो शाहिद और कंगना के साथ नजर आएंगे। बॉक्स ऑफिस पर सैफ की आखिरी फिल्म फैंटम थी, जिसके ट्रेलर को तो काफी सराहा गया, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो किसी को भी पसंद नहीं आई। इससे पहले सैफ की हैप्पी एंडिंग, हमशक्ल्स, बुलेट राजा और गो गोवा गॉन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। सैफ की आखिरी हिट फिल्म 2013 में रेस 2 आई थी। 4 सालों में 5 फिल्में फ्लॉप होने के बाद सैफ ने तय किया है कि अब वो केवल सिलेक्टेड फिल्मों को ही इम्पोर्टेंस देंगे। फिलहाल सैफ के करियर का फैसला होने वाला है फिल्म रंगून से। अगर रंगून हिट रहती है तो सैफ का बॉलीवुड करियर फिर चल निकलेगा, लेकिन फिल्म का नहीं चलना सैफ के करियर पर फुल स्टॉप भी लगा सकता है। अब सैफ के ढलते करियर को रंगून का कितना सहारा मिलता है, ये तो फिल्म आने पर ही पता चल पाएगा। वैसे देखा जाए तो फिल्म सैफ के लिए ही नहीं बल्कि शाहिद और कंगना के लिए भी काफी खास है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।